यशोमती मैया के नंदलाला। यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, यही है वत्सासुर, वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो, हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा, चलो। अपने कान्हा की प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। अब हो गो पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गोपालक सच्चा गोपालक तभी कहलातो है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। ये तो बिल्कुल वैसी छड़ी है बाबा जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है काना, जे एक सच्चे गोपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो, ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको, अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धाराशाही होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पाश में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ। वत्सासुर, वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हट पकड़ के बैठे हैं नंदराज, काना जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहे हो काना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे, देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना। तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक है और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी।
मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा, तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले या छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैया को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ। ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया, और यदि हमारा संबंध ही अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट में रक्षा करेगा। आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए। चल काना। रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला, अब जा अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल। यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठा कर चले बाल गोपाल। प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। अब ये वन उनका है। वत्सासुर तो क्या, कोई भी असुर इस वन को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। निर्दोषों पर ऐसा अत्याचार, इस असुर को इसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब होगा विध्वंस का नाथ, कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई नहीं। वन में सुरक्षित तो होगा ना मेरा लल्ला? Thank you.
से देखना, कोई गैया झुंड से बाहर ना जानी चाहिए। मधुमंगल तुम पीछे की ओर जाना तंसी काका के साथ, और हाकन तनिक कस के पकड़ो, कोई वरना पशु ना जाए हमारी गैयाओं के पीछे। जैसे बाबा वैसे लल्ला। ये तो बहुत अच्छे से सबका नेतृत्व कर रहा है। मेरा छोटा सा लल्ला कब समझदार युवराज बन गया पता ही ना चलो। कान्हा कि तू हम सब की सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगो। हाँ तो कोई सर्प आ गया तो क्या करेगो तू? इस हाकन में लपटूंगो और दूर फेंक दूंगा। और अगर भयानक वन्य पशु आ गो तो ये हाकन है ना मेरे पास, ऐसा हाकूंगो कि वो भयानक पशु हाँ जाएगो और उल्टे पाँव भाग जाएगो। और यदि कोई भयानक राक्षस आ गया? राक्षस तो आ ही गया सखा। रोग कैसा भी हो औषधि यही है वसंता। हाकन उसकी अस्थियां तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दूंगा कि वो क्षण भर में चित पड़ जाएगा। तो क्या इस हाकन में इतनी शक्ति है? शक्ति हाकन में ना, मेरे मैया बाबा के आशीर्वाद में है, इसीलिए सब अपने मैया बाबा का स्मरण करो, उन पे विश्वास करो और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े असुर को भटक नहीं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया कान्हा। आप यहाँ? आपको तो लेखा जोखा देखना था ना। हाँ तो तुम्हें भी तो भोजन बनाना था। हाँ जे तो है, मैं तो देखने आई थी मेरा लल्ला सुरक्षित है कि ना। हाँ तो मैं भी देखने आया हूँ कि लल्ला अपना दायित्व तो अच्छे से निभा पा रहा है कि ना। तो निभा रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से। अब मुझे पता चल गो कि वो सबको संभाल लेगा तो मैं चलता हूँ उपनंद भैया से मिलने जानू। हाँ तो मैंने भी देख लिया है जे सुरक्षित है, मैं भी जाती हूँ रसोई का कार्य पड़ो ना। सब कुछ कितना सुंदर है ना यहाँ, ये कोमल कोमल घास, हरे रंग से रंगी भूमि, इन वृक्षों की छाव में बैठ के भोजन करने में कितना आनंद आएगा, है ना कान्हा? और खेलने में भी, है ना कान्हा? तो चलो खेले ना, हम यहाँ दायित्व निभाने आए हैं, गोचारण कराना है हमें, पहले वो ही कराएंगे हम और फिर खेलेंगे। यहाँ घास हरी भी और कोमल भी, फिर तो मीठी भी होगी। समाती दे रही हो? ठीक है फिर, उचित स्थान मिल गो सकाओ। चलो अब गैया चराए, सब जन गैया की निकटी रहना गोला बना के, ऐसा ना हो कि कोई गैया
इधर उधर निकल के खो जाए और दृष्टि सतर्क रखना। कोई संकट भी निकट ना आना चाहिए। कितना समझदार हो गया मेरा लल्ला। कैसे सारे कार्य कर रहा, मानो कितने लंबे समय से इसको गैया चराने का अनुभव। आप अभी तक गए ना? तुम भी तो ना गई? हाँ तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं पता चल जाएगा। ये तो मैया बाबा का स्वर था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर और बीच में है मेरे सब सखा। इनके होते हुए वत्सासुर का सामना कैसे करूंगा मैं? इससे पहले कि और विलंब हो जाए इसे रोकना होगा मुझे। आपके नाम का जाप करता हूं और आप मेरे नाम का। कैसे ना करूं सखा, आपके नाम में शक्ति इतनी है और अब इस शक्ति का अनुभव होगा बच्चा सर को।
ये कर क्या रहे? काना जी क्या कर रहे हो तुम? महादेव की मुद्रा बनाने का प्रयास करो दाऊ। देखो दाऊ, जैसे उनके कंठ पे बांसों की नाग है, वैसे मेरे कंठ पे मेरे बांसों की मेरा पटका सब बुरी शक्तियों से हमारी गैयाओं की रक्षा करेगा। ये आपकी लीला में भी कौतुक है सखा, धन्य है आप।